Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 4th, chapter 7, the climate of India. And today we have topics to discuss climate zone from the page number 43 to 44. Rasa International में आप सभी का स्वागत है. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 4th के लिए है, चैप्टर 7, और आज हमारे चैप्टर का नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और आज का जो हमारा विषय है वो है क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम द पेज नंबर 43 टू 44. लुक एट द पेज नंबर 43, चैप्टर 7, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. वी यूज द वर्ड वेदर टू डिस्क्राइब द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डे और वेरी नियर फ्यूचर. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखिए, सबसे पहले जो इसमें दे रखा है वेदर और क्लाइमेट. वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, है ना? तो वेदर क्या होता है? वेदर जो है वो डिस्क्राइब करता है एक एटमोस्फेरिक कंडीशन, किसी भी जगह की हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड चेंज होने वाली मौसम में जो भी चेंजिंग होती है उसको हम बोलते हैं वेदर. देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी जैसे हम लोग घर बैठे हैं या स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, हम लोग बाहर निकले तो मौसम चेंज हो गया. और जैसे ही मौसम चेंज हुआ, अभी बहुत तेज धूप निकल रही थी, अब एकदम बादल हो गए और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है. तो मौसम एक सेकंड में, एक मिनट में चेंज हो गया. और अभी थोड़ी दूर हम आगे बढ़े तो बारिश हो गई, है ना? फिर हम थोड़ा आगे चले तो बारिश रुक गई, ठंडी हवा चलने लगी और फिर दोबारा से धूप निकलने लगी. तो मौसम हर सेकंड, हर मिनट चेंज होता है. तो वेदर का अगर हम डेफिनेशन समझे तो वेदर क्या है? वेदर इज अ एटमोस्फेरिक कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर डे और अ वेरी नियर फ्यूचर, मतलब जो पल पल बदलता है, जिसका फ्यूचर सिर्फ एक सेकंड में बदल सकता है, एक मिनट में बदल सकता है. मैंने आपको बताया ना, रात को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई लेकिन सुबह गर्मी हो गई. तो ये होता है वेदर. लेकिन अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ अ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब देखिए, क्लाइमेट वेदर से थोड़ा सा अलग होता है. अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर कैन चेंज इन अ सेकंड, इन अ मिनट. वेदर एक सेकंड में भी चेंज हो सकता है, वेदर एक मिनट में भी चेंज हो सकता है, और वेदर एक घंटे में भी चेंज हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट वेदर से थोड़ा सा अलग है. तो क्लाइमेट को समझने के लिए हमें अपने आसपास के मौसम को समझना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये अक्टूबर का मंथ है ना, तो अब क्या हो रहा है, अब नवंबर दिसंबर में क्या आने वाली है? विंटर, सर्दियां. तो ये सर्दियां कोई एक मिनट और एक सेकंड और एक घंटे में तो खत्म नहीं हो सकती ना. तो ये सर्दियां कब तक चलेंगी? ये सर्दियां चलेंगी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आएगी समर. यानी मान लो अब फिर एक लंबा सीजन, एक गर्मी का सीजन आता है, सर्दी फिर गर्मी, है ना? तो गर्मी भी फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गर्मी, है ना? फिर अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन की, तो जुलाई अगस्त में रेनी सीजन होता है ना. जून का मंथ होता है बहुत ज्यादा गर्मी का, मई जून, अप्रैल मई जून समर हो गया, और जुलाई अगस्त के अंदर रेनी सीजन लग गया. तो क्लाइमेट क्या है? एक लंबे पीरियड तक कोई भी एक मौसम रहता है हमारे सामने, हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट. वेदर क्या है? वेदर इज अ एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डे और द वेरी नियर ऑफ फ्यूचर, मतलब मौसम एक सेकंड में, एक घंटे में, 15 मिनट में चेंज हो सकता है. लेकिन जो क्लाइमेट है वो एक घंटे में चेंज नहीं होता, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है. जैसे कि विंटर हो गई, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया. आई थिंक ये वेदर और क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट क्लाइमेट जोन बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज द लोकेशन, सरफेस, रिलीफ सरफेस, विंड एंड द अपर एयर सर्कुलेशन. अब जो हमारी कंट्रीज है वो दो डिफरेंट क्लाइमेट जोन के अंदर बटी हुई है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट जोन, सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट जोन, अब हम उसमें इंडिया की लोकेशन और इंडिया में किस तरीके का क्लाइमेट है इस बारे में हम बात करेंगे. क्लाइमेट जोन. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री डज नॉट फिट इनटू एनी वन जोन. सिचुएशन रफली बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इट्स ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया ऑफ साउथ एशिया. It can be divided mainly into four climate zone, namely. देखिए, अगर इसमें हम इंडिया की locations की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिया की locations की समझना होगा. कि अगर मैं आपको समझा दूं कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो चार पार्ट में डिवाइड है और वो 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नहीं समझ में आएगा. हमें उसके लिए सबसे पहले समझना होगा लैटिट्यूड. वॉट इज द मीन ऑफ लैटिट्यूड? लुक एट द ग्लोब, है ना? द लाइन, ये जो लाइन होती है, जो बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है, इस तरीके वाली लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड लाइन,
है ना, और जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही होती है नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से, हम इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। तो सबसे पहले हमें ग्लोब में ये एक इमेजिनरी लाइन समझनी होगी। तो अगर हम बात करें इसके अंदर लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, भाई लैटिट्यूड लाइन जो पैरेलल मतलब जो सीधी सीधी जा रही होती है इस तरीके से, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से आ रही होगी, आपने ग्लोब में ये सब चीज देखी होगी। लेकिन इंडिया से जो लाइनें लैटिट्यूड में होकर जाती है, आप इस क्लाइमेट जोन में देखिए द 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम इसमें नॉर्थ क्यों लगा रहे हैं, है ना, हम इसमें नॉर्थ इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इंडिया इज लोकेटेड, अगर हम ये इक्वेटर लाइन से इंडिया को हाफ करते हैं, है ना, तो इक्वेटर लाइन ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियसली इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी लैटिट्यूड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब हमें ये देखना है कि इंडिया से ये जो एक पैरेलल लाइन है, ये जो एक लैटिट्यूड लाइन है, ये कितने डिग्री से होकर गुजर रही है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। अब हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट समझेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसमें जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड दिया हुआ है, ये नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लोकेटेड है, लेकिन उसका जो एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब जो एक ये वाली लाइन जो एक पैरेलल लाइन जाती है सबसे ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब हम इसका सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड देखते हैं, यानी हम जो नीचे के साइड पर इसकी लैटिट्यूड लाइन कितनी है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन आप कहोगे कि मैं साउथ पे भी नॉर्थ बना रहा हूँ, मैं इस डिग्री में नॉर्थ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया लैटिट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगर इक्वेटर लाइन से इंडिया को डिवाइड किया जाता है तो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से इंडिया के जो क्लाइमेट जोन है वो चार क्लाइमेट जोन है, और वो क्लाइमेट जोन है अल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एरिड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अल्पाइन जोन। द क्लाइमेट जोन कैन बी एक्सपीरियंस इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस। इन द रीजन देयर आर हाई क्लाइमेट फंक्शन ड्यू टू स्टीप लैटिट्यूड अल्टीट्यूड वेरिएशंस। अगर हम बात करते हैं अल्पाइन जोन की, तो ये वो जोन है, मतलब जिस तरीके का अगर हम हिमालय वाला एरिया देखेंगे, हम हिमालयस का एरिया देखेंगे, तो ये वाला जोन माना जाता है अल्पाइन जोन, है ना। तो एक्सपीरियंस द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, इन रीजन दे आर हाई क्लाइमेटिक फंक्शनल एंड ड्यू टू स्टीप अल्टीट्यूड वेरिएशंस। अब ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम बोलेंगे अल्पाइन जोन। द नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल जोन। दिस जोन इज prevalent in the most of northern part of India. It can be called a typical Indian climate. Summer are hot and wet, while in winter the temperature may drop down to the freezing point in higher range. अब जो हम जो temperate zone की बात, अब हम जो zone की बात करते हैं वो है subtropical zone. अब ये वाला जो part है, ये north part of India, यानी ये पूरा हम ये part यहाँ से लेंगे, इस वाले part को अगर देखा जाए तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये नॉर्दर्न पार्ट, मतलब इंडिया का ये पूरा एक नॉर्दर्न पार्ट है, ये पूरा इसको करता है, पूरा इसको कवर करता है। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, समर बहुत ज़्यादा गर्म, यानी गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और यहाँ विंटर भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ जाते हैं। बे ड्रॉप डाउन फ्रीजिंग पॉइंट इन हायर रेंज, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो हमने अल्पाइन जोन में डिवाइड किया माउंटेन को, और उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल जोन है वो नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो ये वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। थर्ड, द ट्रॉपिकल जोन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप, विज ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन एंड ट्रॉपिकल एंड ड्राई जोन। द कैरेक्टराइज ऑफ द ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन इंक्लूड द एवरेज टेम्परेचर विच नॉर्मली डज नॉट फॉल बिलो द 18 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो एरिया है, ये दो पार्ट में, मतलब जो एक ट्रॉपिकल जोन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, विज ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन एंड ट्रॉपिकल ड्राई जोन। मतलब ये वो जोन है, मतलब विज ट्रॉपिकल कौन सा हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। विज ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन एंड ट्रॉपिकल ड्राई जोन,
मतलब एक तरीके से एक बहुत ज्यादा जहां बारिश होती है वेट मॉनसून है ना, और दूसरा ड्राई जोन। द कैरेक्टराइज ऑफ ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन इंक्लूड द एवरेज टेम्परेचर विच नॉर्मली डज नॉट फॉल बिलो द 18 डिग्री सेंचुरी, मतलब यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नीचे नहीं गिरता। अब हम दूसरी बात करते हैं एरिड जोन की। द हाई टेम्परेचर एट द लो रेनफॉल आर द मार्क फ्यूचर ऑफ दिस क्लाइमेट जोन। इट इज प्रिवेलेंट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूड द लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। द टेम्परेचर इन दिस जोन मे शूट अप टू एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। अब हम बात करते हैं एरिड जोन की। तो एरिड जोन क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज होता है, हायर टेम्परेचर, लो रेनफॉल, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है ना। और इट इज प्रिवेलेंट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वेस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये पार्ट हुआ वेस्ट, यानी कि राजस्थान, यानी कि ये जो एरिया है ये पूरा, ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट पार्ट कहलाया जाता है ना। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूड अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। द टेम्परेचर इन दिस जोन मे शूट अप द हाई एज द 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। और यहाँ पर 50 डिग्री से ज्यादा तापमान गर्मियों में हो जाता है। इंडिया एज अ होल एज टिपिकल मानसून क्लाइमेट। द मानसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाई द चेंज सीजन ऑल्सो कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन। इसी तरीके से इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है एक मतलब मानसून की एक साइकिल चलती है। और उसमें क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी जगह पे क्या मानसून आते हैं, सीजन किस तरीके से पूरे इंडिया में चेंज होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मुझे लगता है आज के टॉपिक में आपको क्लाइमेट, वेदर, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन और एरिड जोन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।